वाकई में टीवी टाउन से लेकर बॉलीवुड तक एक्ट्रेसेस का जलवा बरकरार रहता है। एक्ट्रेसेस की हुस्न, एक्ट्रेसेस की अदाएं, खूबसूरती, उनकी आवाज और उनका डांस, हर चीज पर उनके करोड़ों चाहने वालों की नजर होती है। आज 66 साल की उम्र में भी रेखा कभी इंडियन आइडल शो में नजर आती है डांस और अपनी आवाज सुरों से जादू चलाने, तो कभी वो डांस दीवाने के सेट पर नजर आती है। उस रेखा की बात आज हम करने वाले हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर छोटे पर्दे की दुनिया, दिल खोल कर वहां उनको बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है। बिग बॉस में वो करोड़ों की फीस ले रही हैं अपनी आवाज देने के लिए। ब्लॉकबस्टर हीरो सलमान खान के साथ प्रोमो में वो कर रही हैं काम। वही रेखा कभी बॉलीवुड की नजर में इतनी ज्यादा गिरी हुई लग रही थी उन्हें कि उन्हें किसी भी तरह से कोई मौका नहीं छोड़ा गया जलील करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये खास कार्यक्रम, जहां हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट हीरोइन रेखा की जिंदगी के अतीत के काले साए की बात करेंगे, जो काला साया साल भर तक उन पर मंडराया। जी हाँ, वो शब्द कड़वे उनके ही परिवार वालों के। पति के जाने के बाद कैसे उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ ने जमकर निशाना साधा और इसका फायदा बॉलीवुड में भी उन पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए सितारों ने उठाया, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। कभी अपनी खूबसूरती, कभी अपने दिलकश अवतार से, तो कभी लोगों को वो दीवाना बनाती है अपनी पहचान से। यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहेंगे अब आप सभी के बीच रेखा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप सभी को मालूम भी नहीं। वेल, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे वाकई में रेखा क्यों है, क्यों में आई फिर से रेखा के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 15 में रेखा नज़र आ रही हैं अपनी आवाज़ देती और सलमान खान के साथ वो जिस तरह से नज़र आ रही है, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वाकई में रेखा इसलिए वो इस तरह से कह रही हैं, आवाज़ अपनी दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेखा लोगों को इस बात से भी वाकिफ कराना चाहती हैं कि उम्र नहीं होता अपने पैशन को आगे बढ़ाने का। फिल्में बेहतरीन नहीं मिल रही थी तो रेखा ने शुरू कर दिया ये काम। जी हाँ, रेखा नज़र आने लगी अब टीवी शो में एक बार फिर से लौटती। तो चलिए हम आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट में अब ये भी बता दें कि रेखा काफ़ी ज़्यादा ही शो एंजॉय कर रही हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि रेखा आज तो बॉलीवुड में स्वागत की जाती हैं। आज रेखा को लेकर बॉलीवुड में किसी को कोई परेशानियां नहीं है, लेकिन ये शायद आप सभी को मालूम ना हो, कभी रेखा को लेकर लोगों के बीच अलग ही एक दास्ता, कभी रेखा को लेकर लोगों में अजीब ही प्रकार की भावनाएं थी। ये तब की बात है जब रेखा के पति, पूर्व पति यानी कि मुकेश अग्रवाल का निधन हुआ, और मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद दिल्ली बेस्ड इस बिजनेसमैन से रेखा की शादी इतनी बड़ी उनकी भूल साबित हुई कि लोगों ने उन्हें लेकर क्या कुछ नहीं कहा। यकीनन आप सोच सकते हैं, शायद आपको भी हैरानी होगी, लेकिन रेखा वाकई में क्यों इतना परेशानियों में रही थी इसकी वजह भी तमाम है। दरअसल रेखा इतनी परेशानियों में रही क्योंकि रेखा वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही परेशानियों से जूझ चुकी हैं। कहा जाता है कि रेखा के लिए आसान नहीं था तलाक बिना लिए अपने पति से दूरी बनाना और उसके बाद साल भर में पति का निधन हो जाना। वैसे तो आपको मालूम हो ना हो, लेकिन रेखा पर एलिगेशंस उनकी सासू माँ और उनके देवर ने खास तौर पर बहुत अजीब लगाए थे। रेखा पर एलिगेशंस लगाए गए थे ब्रदर इन लॉ जो रेखा के थे, उन्होंने रेखा पर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए थे जिसके बारे में आप यकीनन सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। रेखा पर एलिगेशंस की बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि सुभाष घई, अनुपम खेर इन सब ने क्या कुछ नहीं कहा रेखा को। अनुपम खेर ने तो कहा कि काला धब्बा है वो लोगों पर, तो वहीं आपको बता दें
कि सुभाष घई ने भी कहा कि उन्होंने ब्लॉट क्रिएट किया इंडस्ट्री में, वो ब्लॉट है सिर्फ और सिर्फ काला धब्बा। और ये आपको बता दें कि रेखा को कोल्ड हार्टेड मैन ईटर तक कहा गया था मुकेश के जाने के बाद। शॉकिंग स्टेटमेंट्स तब आए थे जब रेखा की सासू माँ रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के गुजर जाने के बाद उन्हें लेकर एलिगेशंस लगा बैठी कि मेरे बेटे की जिंदगी इसी ने छीनी है, इसने मेरे बेटे को तबाह किया। वहीं रेखा के ब्रदर इन लॉ यानी कि मुकेश अग्रवाल की बात की जाए तो मुकेश अग्रवाल के भाई ने मुकेश अग्रवाल के भाई ने रेखा के ब्रदर इन लॉ ने रेखा पर आरोप लगाए कि उसने अब संपत्ति हड़पने के लिए शुरू कर दिया है ड्रामा। यानी कि रेखा को लेकर मुकेश अग्रवाल के भाई का कहना था कि वो उनके भाई से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी संपत्ति से प्यार करती थी और इसलिए अब संपत्ति हड़पना वो चाहती हैं मुकेश अग्रवाल की, जो दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल का निधन हुआ था। बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में वो अपने घर पर ही अपनी ज़िंदगी की सांस अंतिम लेकर चल बसे थे। सीलिंग फैन से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, कहा जाता है कि लोग कांप उठते हैं इस बारे में बात करते हुए। हालांकि इसकी पीछे वजह पूरी तरह से आज तक सामने नहीं आए। रेखा को जब मुकेश के क्रोनिक डिप्रेशन के बारे में ठीक उनकी शादी के बाद पता चला था तभी वो उन्हें छोड़ गई, इस तरह के आरोप लगाए थे मुकेश अग्रवाल के भाई अनिल ने रेखा पर। और तो और आपको बता दें मुकेश की मां ने हेडलाइंस बना दिए थे अखबार पर ये कहकर कि वो डायन है, मेरे बेटे को ली गई, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अनिल गुप्ता मुकेश के भाई ने कहा, माई ब्रदर लव्ड रेखा ट्रूली, उनके लिए मतलब मेरे भाई के लिए रेखा सब कुछ थी, कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, रेखा उन्हें छोड़ गई, वो उनसे दूर रहने लगी, अलग रहने लगी, तभी रेखा अपनी सेक्रेटरी के साथ रहने लगी थी और अब वो सिर्फ पैसे चाहती हैं, ये कहना था अनिल गुप्ता का। सुभाष घई ने भी रेखा को लेकर कहा था, रेखा हैज़ पुट सच अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वॉश इट अवे इजिली, ये दाग नहीं जाएगा आसानी से फिल्म इंडस्ट्री पर जो दाग रेखा ने दिए हैं, ये सुभाष घई ने कहा था। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि अनुपम ने कहा वो पूरे देश भर के लिए नेशनल वैम्प बन चुकी है, प्रोफेशनली पर्सनली मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके सामने आऊँगा तो कैसे उसे फेस करूँगा, क्योंकि पर्दे लग गए हैं पर्सनली और प्रोफेशनली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनकी ज़िंदगी को लेकर, ये कहना था अनुपम खेर का। सेंसेशनल मुकेश अग्रवाल का गुजर जाना रेखा की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर गया था। वक्त हो गया है अब यहीं पर इजाजत लेने का। आज आपने देखा एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की जिंदगी की कुछ अगलीस्ट सीक्रेट्स क्या है वो हमने आपको बताया। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, अगली बार लौटेंगे ऐसे ही एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बॉलीवुड में क्यों क्वीन बनने के पीछे की दर्द भरी कहानी पेश करने के लिए, ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियां। तब तक के लिए आप देखते रहें हिंदी सिनेमा की हर खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।